आजाद पार्टी के वो कारकुन हैं जो उस दिन यानी के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत वाले दिन इस जगह पे मौजूद थे और अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। जी नासिर मीर साहब, आप थोड़ा सा हमें मुख्तसर अल्फाज में बताइए कि आपने उस दिन क्या देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 12 साल कबल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील जला वतनी के बाद पाकिस्तान में आई थी, तो लियाकत बाग में उनका पहला जलसा था और क्योंकि इंतखाबी जलसा था और हमेशा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब लियाकत बाग में आती है तो बड़ा जोश खरोश होता है। वो बहुत एक कामयाब जलसा था। जब ये धमाका हुआ तो थोड़ा सा उसकी मंजरकशी कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा, चूँकि आप ऐनी शाहिदीन में से शामिल हैं और आपने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। उसमें यह है कि मैं, मेरी ड्यूटी मीडिया इनक्लोजर में थी, तो मैं जब बीबी वहाँ पे स्टेज पे रुख्सत हुई तो मैं उधर ही था क्योंकि मीडिया के साथ था। तो बीबी यहाँ पे जब आई हैं तो हम लियाकत बाग में खड़े थे, तो फौरन जो है ना ये अचानक ना धमाके की आवाज़ आई, तो मैंने जब मुड़ के देखा तो वहाँ इस जगह पे धुआं ही धुआं था। और फिर यह कि लोगों का जमे गफीर, जिधर लोगों का रुख था उधर वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। कुछ लियाकत बाग में लोग भागे, खौफ और आस की हालात थे। तो हमें शुरू में यही बताया गया कि बीबी शहीद जो हैं वो खैरियत से निकल गई हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब हमें पता चला कि धमाका हुआ है, उसमें तकरीबन हमारे 27 के करीब कारकुन शहीद हुए हैं और तकरीबन 50-60 के करीब ज़ख्मी हुए हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को यह है कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो पहले सेंट्रल हॉस्पिटल था वहाँ पे ले गए हैं। तो फिर कुछ देर बाद खबर आई, हम सिविल हॉस्पिटल चले गए, लाशें उठा के यहाँ से ज़ख्मियों को ले कर जा रहे थे। यानी ये कफरा तफरी थी और आपने जो देखी। अच्छा, आप उस वक्त जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी थी जिसमें उनको शूट किया गया, आप उस पर कितने फासले पे थे और आप जब ज़ख्मी हुए तो आपकी अपनी सूरत हाल क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा ख़त्म हुआ तो हम इसी गेट पे आए जहाँ से मोहतरमा ने निकलना था बाहर। हम घर की तरफ, राजा बाजार की तरफ रवान हुआ थे, रुक गए, आवाज़ आई कि बीबी बाहर आ रही हैं, तो हमें इश्तियाक हुआ, खड़े हो गए। तो यही वो जगह है जहाँ से आगे बीबी के आगे तीन गाड़ियाँ आगे आके पुलिस की खड़ी हो गई, रास्ता उनको नहीं मिला, स्क्वाड जो था वो रास्ते में था। बीबी जब जैसे ही बाहर आई, नारेबाजी हुई, लोगों ने नारे लगाए, तो बीबी को मजबूरन बाहर आना पड़ा। जब वो बाहर आई तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमी अभी भी मेरी निगाहों के सामने से नहीं हटता जिसने फायर किए। तो तीन फायर हुए मेरी आंखों के सामने हुए, दोस्त मेरे हाथों में हाथ पकड़ के खड़े थे। तो जैसे ही वो तीसरा फायर हुआ, बीबी नीचे गई, उसके बाद जो है धमाका हुआ और धमाके में मैं खुद भी ज़ख्मी हुआ, मेरी पूरी लिपाटमी हुई है। तो उसके बाद जो है लाशें ही लाशें थीं, धमाके के बाद यहाँ पे लाशें ही लाशें थीं। मैं थोड़ा सा होशो हवास में था, लेकिन बाद में जो है वो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में जाके मुझे जब पता चला कि मैं तो बिल्कुल ही डैमेज हो गया हूँ, दोस्त पहुँच गए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल जो थी वो मैंने अपनी आँखों से देखी है। हर तरफ मेरे अपने प्यारों की, मेरे अपने दोस्तों की, जो जिनके साथ बचपन मेरा गुजरा, उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी, ज़ख्मी पड़े थे, चीखों पुकार थी, आओ बका थी, धुआं था, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, देख रहा था सिर्फ मैं। और वो न भूलने वाले लम्हात हैं, 27 दिसंबर जब आती है तो हमारे जिस्म का एक एक बाल रोता है, चीखें मार मार के रोता है कि हमने अपनी नज़रों के सामने क्या देखा। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आपके जो लोग जिन्होंने शहादत हासिल की, कारकुनों ने शहादत हासिल की और जो ज़ख्मी हुए, उनकी जो हालत ज़ार है वो कैसी है? पार्टी ने उनका ख्याल किया, गवर्नमेंट ने उनका ख्याल किया, या वो ऐसे ही रहे? इस बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स का ख्याल करने वाली पार्टी है। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो ज़ख्मी और शहादा थे उनकी भरपूर उन्होंने इमदाद की है। जी मीर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें यह है कि सबसे पहले तो ये है कि जब हमारी हुकूमत बनी तो जितने भी शहदा हैं, ज़ख्मी भी हैं, उनको सबको प्लाट दिए हैं, माली इमदाद की है। इसके अलावा भी ये है कि जो, यानी उनको बेयारों मददगार नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।
जनाब ये एक मुख्तसर सा अहवाल था उस याद को ताज़ा करने के लिए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमारे जहनों में है, हमारे दिलों में है, और उनकी शहादत को हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा एक आध दिन में या उनका साहबजादा एक पहला बड़ा जलसा करने जा रहा है, क्या वो अपनी पार्टी की क्यादत को उसी तरीके से चला सकेंगे, उनकी लेगेसी को आगे चला सकेंगे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जहन में था, दिल में था, जो खिदमत का जज्बा था, जो आवाम से मोहब्बत थी, जो कारकुनों से मोहब्बत थी, या खाली वो एक सियासी पार्टी को ही लेके चलते रहेंगे और एक ऐसे लीडर साबित होंगे कि जो बेनज़ीर भुट्टो के पाए के ना हों। लेकिन उनके कारकुनों का जोश और खरोश ये बात बताता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक दिन इस पार्टी की में उसी तरह क्यादत करेंगे, उसी तरह इस पार्टी को संभालेंगे जिस तरह उनके नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी क्यादत की, या जिस तरह उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पार्टी की क्यादत की। नासिर राजा, औसाफ़ डिजिटल, इस्लामाबाद।